श्री रामलला की जय। भये जगत कृपाला दीन दयाला निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो सर्वव्यापक है भगवान, आप सुनते हैं ना, और आपके अंदर भी बैठे हैं, आप सुनते हैं ना, हाँ, लेकिन आपको अनुभव दोनों नहीं है। अंदर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हम तो कभी देखते नहीं, अपने आप को हम रियलाइज करते हैं, मैं जो मैं कल रहा था, जो मैं रात को सपना देख रहा था, वही मैं यहाँ बैठा हूँ। लेकिन वो मैं के पास मेरा बाप भी बैठा है हर समय, ये तो हमने कभी रियलाइज नहीं किया। सर्व व्यापक है, हमने कभी हमको हुआ नहीं। तो ऐसे भगवान को जानना, मानना और उसके पाने की साधना करना अर्जुन शरीर के जितेंद्रिय के लिए भगवान ने 12वें अध्याय में कहा, अव्यक्ता है गतिर्दुखम, देहधारियों के लिए बिना देह वाले की भक्ति करना कलयुग में तो असंभव है। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, ऐसे सन्यासियों का झुंड है हमारे देश में इस समय, तो डंडा लिए घूमते हैं सब, हम ब्रह्मास्त्र बोलते हुए। तुलसीदास ने खूब मजाक बनाया है इन लोगों का कि ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी कारण मोहब्बत करहि विप्र गुरु घात। हमारा कमंडल चुरा लिया इस सन्यासी ने, मारेंगे इसका, हम फिर तोड़ देंगे। आज कमंडल चुराने के लिए मर्डर हो रहा है, दफा 325 हो रही है सन्यासियों की। ये ब्रह्मज्ञानी है। तो भगवान ने अवतार लेकर क्या किया, जिसका चिंतन करके हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। जो चाहते हैं परमानंद, दिव्यानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड सुख राम के पास है। तो अगर ये सगुण साकार अवतार लेकर न आए होते, खाली निर्गुण रूप रहता उनका, तो हर एक के बस में न सुनने की बात थी, न समझने की, न करने की। कहा तो कठिन, समझत कठिन, असाधन कठिन विवेक। अरे कहना ही कठिन है, क्या कहोगे? कोई सन्यासी आवे आपसे कहे अहम ब्रह्मास्मि, क्या कहना चाहते हो? तुमको उपदेश करना चाहते हैं। उपदेश? तुम कौन हो? ब्रह्म। और हम कौन है? ब्रह्म। तो ब्रह्म ब्रह्म को क्या उपदेश करने आया है? आओ। अरे तुम कहते हो सब ब्रह्म है ना, हाँ, तो जो सब ब्रह्म है तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश क्या करेगा? तुम गुरु बनने आए हो हमारे। अरे गुरु का है, सब ब्रह्म है, सब गुरु है। कहा समझत कठिन, असाधन कठिन, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागरी बारा। तुलसीदास ने कहा है, ते सठ महासिंधु बिनु तरणी पैरी पार चाहत जड़ करणी, रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, तो ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषाण। अरे अधम तो है। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी योगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी ताराई नाम बिनु से ये बंद स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। अब हम अपने स्वार्थ के लिए ही प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण कर्म करता है, फैक्ट है ना? तो स्वार्थ साचु जीव कह एहा मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सच्चा स्वार्थ है, राम से प्यार करना। प्यार करना सबको आता है। चपड़ गवार मूर्ख, अरे कुत्ते बिल्ली गधों को आता। किसी कुतिया के पैदा हुए तुरंत के बच्चे को कोई पकड़ना चाहे खा जाए उसको। सबको मालूम है प्यार करना। आप लोग लड़की पैदा करते हैं, 18-20 साल तक उसको पालते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लाखों रुपया फूंक देते हैं। शादी करने में भी करोड़ों फूंक देते हैं बड़े बड़े आदमी। लेकिन क्या होता है, ससुराल में गई, ये मेरा मकान है, ये मेरी गाड़ी है। अच्छा, वो मायके वाला हो तो भैया की एकदम बैराग हो गया। और नहीं वो तो पहुंचते ही दावंडा हो गया। क्यों? स्वार्थ। हमारा यहाँ स्वार्थ होगा, वहां नहीं होगा। तो हम समझ ले, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। बस एक मिस्टेक है हमारी, हमने अपने को शरीर मान लिया। मैं शरीर हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, पंजाबी हूं, बंगाली हूं, मद्रासी हूं, एक बीमारी पा लिया। मैं आत्मा, राम का दास। उनसे आनंद मिलेगा। बस इतना सा ज्ञान पक्का कर लो बार बार चिंतन के बीजन से, और रोकर पुकारो भोले बालक की भांति। ज्ञानवान नहीं, सब फेंको। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भोले गंजा फिर जैसे पैदा हुए थे। इतनी 420 इकट्ठा किया, देख के, सुन के, पढ़ के, सब फेंको। तब राम आएंगे, तब उनकी कृपा मिलेगी। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करत रघुराई। जब वो कृपा करेंगे तब माया जाएगी, आनंद मिलेगा और जीव सदा को मालामाल हो जाएगा। ऐसा समझकर भगवान राम की भक्ति करना है। रामनवमी मनाने का ये प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। और हर रामनवमी पर रीड करना चाहिए, कि मैंने पिछले साल से अब तक कितनी राम भक्ति की और नहीं की तो क्यों नहीं की। अगली रामनवमी मिले न मिले तुरंत करो। बस इन शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। शेष फिर बोलिए सिया रामचंद्र की श्रीमद सदगुरु सरकार की जय, राम लला की जय। गाने आए मेरे बधाई प्रेम सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 Jai Siya Ram, Jai मेरे रहोगे, मैं गुनर बहकाने से get ready for RT. श्री रामचंद्र कृपाल मन हर नव हर लाडली लाल की जय, श्री भक्ति धाम की जय, श्री भक्ति मंदिर की जय, श्री गुरुधाम भक्ति मंदिर की जय, श्री प्रेम मंदिर की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कीर्ति मंदिर की जय, श्री बरसाना धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, राम लला की जय, सियापति राघवेंद्र सरकार की जय, जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय। For Ram Lala, his birthday. So, can this little kid come in front? To cut the cake. Come, Lala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeah.